हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु स्वर्ग अर्थ के प्रकाशी मांग दीप उपकारी है जिनको स्वरूप जाने आवे जे भई जो भक्ति काये पुनः आई स्तुति को धन कर्म दिन हिते आज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। क्षत्र शूरामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ सातवें लंब को आधार बनाकर 21वें श्लोक तक की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं और 22वें श्लोक से हमें आगे बढ़ना है। जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में सबसे पहले तो यह बात कही कि हे जीव, हे कृषक, हे किसान, तो अपने आप को निजात्म तत्व स्वीकार कर और यदि तुझे ये बात स्वीकार हो जाए तो उसके बाद शुरू होता है धर्म। माने धर्म की शुरुआत आत्मा को जाने बिना नहीं होती, ये बात कह दी यहाँ। आत्मा को जानने के बाद धर्म की शुरुआत होगी। यदि तुम ये चाहते हो कि अपने जीवन में धर्म की शुरुआत हो तो पहले में पहले अपने आत्मा को जानो। किसा फिर क्या होगा आत्मा को जानने? बोले दो प्रकार से धर्म की चर्चा आई है शास्त्रों में, एक श्रवण धर्म एक श्रावक धर्म। तो श्रवण धर्म तो मुनि धर्म है और श्रावक धर्म क्या है उसकी चर्चा बतलाएंगे। इसलिए बतला रहे हैं श्रावक धर्म की चर्चा को विस्तार से क्योंकि अभी तुम्हारे में ये पात्रता नहीं दिख रही है कि तुम श्रवण धर्म अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो, इतनी पात्रता नहीं दिखती है। जिसके जीवन में 12 व्रत होते हैं वो व्रती श्रावक है और जिनके जीवन में 5 पापों का पूरी तरह से त्याग होता है वे महाव्रती श्रमण हैं, वे मुनिराज हैं। मुनिराजों के 5 महाव्रत हैं, श्रावकों के अणुव्रत हैं और दोनों ही त्यागी होते हैं, दोनों ही धर्मात्मा होते हैं। देखिए अल्प शक्ति धारक श्रावक होते हैं यह बात तो कल कह दी गई थी। श्रावक में शक्ति अल्प है, क्या करे बेचारे, ताकत नहीं है ज़्यादा। अभी ज़्यादा बड़े व्रतों की बात कह दो तो मेरे से तो निभ नहीं पाएगा, ज़्यादा लंबी बड़ी बात कह दो ना तो कहते मेरे बस की बात नहीं है, हाथ पांव फूलने लगते हैं इसके। अरे बाबा क्या, अभी तो ऐसी जगह पे तो सब छुड़वाएंगे हमसे, तो हमसे नहीं हो सकता। भाई कोई बात नहीं, सब तो नहीं छुड़ा रहे हैं, यद्यपि मार्ग तो सब छोड़ने का ही है लेकिन फिर भी हम तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रहे हैं, तेरी विल पावर मजबूत कर रहे हैं। वो कैसे होगी? बोले धीरे धीरे छोड़ने से होगी। तू नियमों का पालन करके देख धीरे धीरे कि निभता है कि नहीं निभता है। तो ये कहता है कि यदि रात्रि भोजन का त्याग मेरे से नहीं निभ सकता है तो कोई बात नहीं, तो 2 के लिए तो करके देख सकता है। 2 तो कर सकता हूँ, 2 में क्या हो गया, 2 तो कर लेंगे एडजस्ट। तो यदि तू 2 कर सकता है और हम यदि तेरे से ये कहें कि 2 कर लेने के बाद 2 और कर ले क्या, तो कर सकता है कि नहीं? तो 2 करके यदि तू 8-10 पालन कर सकता है तो जब 10 कर सकता है तो महीने भर क्यों नहीं, और महीने भर कर सकता है तो 4 क्यों नहीं, और 4 कर सकता है तो साल भर क्यों नहीं, और साल भर यदि तूने निभा लिया तो जीवन भर क्यों नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस वाली बात है ना, करके देख क्यों नहीं हो सकता है। ये नहीं साहब कभी क्या? कभी मौका लगे तो तू कभी के चक्कर में अभी खाने का पाप कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं श्रावक कौन है पहले वो समझ लो। श्रावक धर्म अंगीकार करोगे ना तुम तो पहले श्रावक कौन है वो समझो एक बार। 22 नंबर का यह श्लोक है
और 324 नंबर के पेज पर यह चर्चा है। नीचे श्रावक का स्वरूप, त्रिचतुः पञ्चभिर्युक्ता गुण शिक्षाणुभिर्वृतैः तत्वधीरुचि सम्पन्नः सावद्याग्रहमेधिनः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्रम से तीन चार पाँच, क्रम से चलो, तीन चार पाँच, क्या क्या, गुणव्रत शिक्षाव्रत अणुव्रत, कल बतलाए थे आपको थोड़े बहुत, तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत पांच अणुव्रतों से सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन संपन्न कुछ दोष सहित श्रावक व्रतधारी होते हैं। सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ये 12 प्रकार के व्रत हों। 12 प्रकार के व्रत कौन कौन से कहे, तीन चार पाँच, तब याद रहेगा मनोज जी साहब पीछे, तीन चार पाँच, तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत और पाँच अणु व्रत। देखो ये व्रतधारी श्रावक होते हैं। सरल अर्थ, जो सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान सहित होकर पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत के धारक तथा किंचित पाप प्रवृत्ति से सहित होते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। इसका मतलब श्रावक निष्पाप नहीं हो सकते, श्रावक पाप से पूरी तरह से रहित नहीं हो सकता। पाप की भावना हो तो श्रावक नहीं, पाप करने की भावना तो नहीं है लेकिन वो पाप से रहित नहीं हो सकता, निभ नहीं सकता। वो घर में रहेगा तो उसके जितनी प्रवृत्तियां होगी घर गृहस्थी के योग्य उनमें हिंसा तो होगी, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहेंगे भी देखो आगे बात, वो धर्म नहीं है लेकिन पूर्व तैयारी, सही बात है। माने यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तो भी अपनी भूमिका के अनुसार हमें इन व्रतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वो व्रत तो होंगे नहीं सच्चे, तो सम्यक दर्शन के बाद होते हैं, तो सब सम्यक दर्शन के बाद होंगे तो मैं तो खूब हिंसा कर सकता हूँ ना, ये तो कैसी बात कर रहा है, तो फिर मैं तो खूब झूठ बोलूँ ना, मैं कोई व्रती थोड़ी ना हूँ, अभी मैं अनुव्रती नहीं हूँ साहब, मैं तो खूब झूठ बोलता हूँ। अरे भाई योग्य नहीं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पांच पापों का त्याग जीवन में जितना संभव हो सके, इन पांच पापों से जितना बचने का प्रयास संभव हो सके उतना बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाप से दूर हटो, पांच अणुव्रतों का पालन तो ज्ञानियों के होगा लेकिन ये अणुव्रत न सही, मर्यादा तो लाओ, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। पांच अणुव्रतों के नाम तो सबको पता है, बोलो अजय जी पीछे वाले दूसरे जी, पांच अणुव्रतों के नाम बताओ, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परिमाण, अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता है, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह का परिमाण करना वो अणुव्रत है, अपरिग्रह तो महाव्रत हो गया। महाव्रतों के नाम बतलाओ जैन साहब क्या होंगे, अरे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, पांच पाप के नाम बताओ, चलो बोलो डोलिए जी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पांच पाप हैं। ये तो बाल बहुत पढ़ो वापस, क्या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है एक्चुअल में, क्या जिनने पढ़ी है उनको तो याद है ना सब, क्या नहीं कहाँ सुनी, नहीं जैन साहब की बात कर रहा हूँ, तो अभी शुरू किया ना आना थोड़े समय से, कोई बात नहीं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने कब शुरू किया है, नियमितता जरूरी है, नियमितता हो तो सब बातें समझ में आने लगती है।
हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग अपरिग्रह। पांच पाप हैं, इन पांचों पापों का त्याग तो पांच हो गए व्रत, हो गए महाव्रत। अब इन पांचों पापों का आंशिक त्याग वो हो गया अणुव्रत। आंशिक त्याग हो तो अणुव्रत है, पूरी तरह से त्याग हो तो महाव्रत है। तभी श्रावक की चर्चा कर रहे हैं, श्रावक के जीवन में पांच पापों का आंशिक त्याग होता है। इसके अलावा तीन होते हैं गुणव्रत। मास्टर साहब गुणव्रत के नाम दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, नाम से समझो। दिग्व्रत क्या चीज है? दिग माने होता है दिशाएं। हमारे मुनिराज क्या है? दिगंबर होते हैं ना, दिगंबर माने, दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे हैं दिगंबर, और कपड़े नहीं दूसरे। दिग अंबर दिगंबर, दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। इन जिन्होंने बाहर से और कुछ नहीं ओढ़ पहन रखा है, बाहरी जो दिशाएं हैं दसों दिशाएं ही जिनके आवरण हैं वो दिगंबर हैं। दिग माने दिशाएं। दिग व्रत नाम क्या है? दिग व्रत क्या होगा? दिशाओं की मर्यादा, पूर्व में यहाँ तक जाएंगे, उस दिशा में यहाँ तक जाएंगे, इस दिशा में इसके बाहर नहीं। जीवन भर की हमने चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में मर्यादा बांध ली, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो इतने ऊपर से ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्या बांध सकते हैं मर्यादा? इतने ऊपर से नहीं जाएंगे, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो इतने से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। आठों दिशाएं जो बाहर में दिखाई दे रही है और पूर्व और अधो को छोड़कर इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बोलो ले सकते हैं कि नहीं नियम? अरे जिनका पासपोर्ट नहीं है और उम्र 70 से ऊपर है क्या, तो हिंदुस्तान से बाहर जाने की तो मर्यादा ले सकता है? क्यों सर? क्यों क्यों नहीं ले सकते? हमें जाना ही नहीं है कभी, हमारा पासपोर्ट ही नहीं है, उम्र इतनी हो गई है हमारी। तो बोला जीवन भर के लिए ये नियम लेना चाहिए कि नहीं? क्या पोते की शादी बाहर हो जाए? माँ ने ढूंढने की बातें, यहाँ तो ये ना जितना नियम हो सके उतने नियमों का पालन करो। दिग्व्रत मैंने जितना लेना हो उतना लो ना। हम तो ये कह रहे हैं यदि आप इस अर्थ जिसे ग्लोब कह रहे हैं इससे बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ले लो तो वो भी मर्यादा है। क्या तीन लोक में तो नहीं गमन करोगे? विदेश क्षेत्र तो नहीं जाओगे? क्या ढाई द्वीप में गमन तो नहीं हो सकता है? इतनी मर्यादा ले ली हम भरत क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाएंगे, इतनी मर्यादा ले ली हम आर्यखंड को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोलो कहीं तो बंधो। बोलो ये कहता है नहीं नहीं पता नहीं कोई देव आ जाए और विदेश क्षेत्र ले जाए तो। दिग्व्रत में दिशाओं की मर्यादा है, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की होती है, लेकिन ध्यान रखना क्या जीवन पर्यंत की मर्यादा होती है दिग्व्रत में। दूसरे व्रत का नाम कल कहा था मैंने देश व्रत। ये कैसा व्रत है? समय की पाबंदी, क्षेत्र को और सीमित कर दिया, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, अष्टमी चतुर्दशी के लिए, पांच दिन के लिए, दस लक्षण के लिए, भादवे के लिए, ये एक लिमिट। डेली भी वही कर सकते हो जब जैसे आपकी भावना हो। पंचमी को कर लिया, अष्टमी को कर लिया, ग्यारह को कर लिया, चौदह को कर लिया, तो आपके पांच दिन आपने निकाल लिए, दोष पंचमी और फिर अष्टमी, फिर ग्यारह और चौदह, महीने में दस दिन का नियम हो गया। पाँच तिथियाँ ये और पाँच को महीने में चार दिन का ले लिया, दो अष्टमी दो चतुर्दशी। परमानेंट नहीं लिया तो आज चौदह से चतुर्दशी, आज तो आज चौदह से आज का नियम ले लिया हमने, इतनी मर्यादा हो। मैं ये कह रहा हूँ आज यदि आपके मर्यादा पूर्वक रहते हुए यदि जीवन पूरा होता है तो संयम में जीवन पूरा हुआ ना। ये जो देश व्रत है ये और अधिक बांधने की बात कर रहा है, जीवन को मर्यादित करने की बात कर रहा है।
और अधिक अपने आप को नियमों में कसने की बात कर रहा है। क्या नाम कहा? देशव्रत। एक तीसरा और है क्या? ये बड़ा खतरनाक है। क्या क्या नाम है? अनर्थ दंड। ये क्या चीज है भाई साहब? अनर्थ दंड सात्विक अनर्थ, अनर्थ नहीं हो जाए। और दंड अन अर्थ दंड। क्या पहले समझाई हुई है बातें? पता नहीं आप एब्सेंट रहे हो तो मालूम नहीं। अन अर्थ दंड। अन माने नहीं। क्या जैन साहब आपके लिए बता रहा हूँ, समझ लो आप। क्या अब याद हो जानी चाहिए। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। अन अर्थ बिना प्रयोजन, बिना मतलब। और दंड बिना ही मतलब सजा मिले, उसका नाम है अनर्थ दंड। बिना ही मतलब सजा, यार ये तो अन्याय है। ऐसा कोई होता है क्या? क्यों भैया बिना मतलब सजा की बात कर रहे हो? ये तो कोई बात नहीं समझ में आ रही है हमारे। बिना मतलब भी कोई सजा मिलनी चाहिए क्या? बिना मतलब का मतलब यह है कि तुम बिना मतलब के काम कर रहे हो, बिना प्रयोजन के काम कर रहे हो। जिस काम का कुछ मतलब नहीं है लाइफ में, ऐसे कार्यों को करना वो अनर्थ दंड कहलाता है। बोले ऐसे कौन से काम होते हैं? अनगिनती काम है इस तरह के, जो काम बिना मतलब के हैं। बचपन में ऐसी बातें कई बार सुनी है हमने बुजुर्गों से, सबने सुनी होगी, बेटा कुर्सी पे बैठ के पैर नहीं हिलाते। हाँ ये यही है। ये अकेले श्वेतांबर की बात नहीं है, दिगंबर दर्शन भी कह रहा है, सब जगह है। बारह व्रतों की चर्चाएं, दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है। व्रत को बता, चर्चा तो है ना सब जगह। बहुत तरीके से पांच प्रकार के भेद कहे अनर्थ दंड के। अभी तो हमने एक कहा पैर हिलाना के नहीं बोलो कुर्सी पे बैठ के, और छोटा बच्चा हिला रहा है और दादी जी ने मना किया, और क्या हो गया इसमें, इससे क्या होता? आपने भी किया होगा ऐसा, कुछ तर्क हो सकता है बचपन, क्या हो गया इसमें, इससे होता क्या है? बस कह दिया ना, अब उनको पता नहीं है क्या होता है। हम बता रहे हैं अनर्थ दंड है। यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे इसका घास उखाड़ रहे हैं, तिनका उखाड़ रहे हैं, धागा खींच रहे हैं, पेन हाथ में ले लिया तो कुछ ना कुछ, बैठे बैठे प्रवचन चल रहा है और ये लकीर कर रहा है, ये फूल बना रहा है, बैठे बैठे पत्तियां बना रहा है। ये अनर्थ दंड नहीं है? किस किस तरह के पाप, बिना मतलब के पाप, मतलब जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, ऐसे पाप। हाँ, अरे थाली में रोटी पड़ी और खिसका दी आपने ऐसे जमीन पे, ये चली रेल। क्या ये पाप लग रहा है आपको? पता नहीं, वो तो यहां तक कहते हैं आधा गिलास पानी पिया और आधा ढोल दिया, ये अनर्थ दंड है। तुझे पता नहीं है पानी की कीमत, तुझे मालूम नहीं है तू क्या पाप कर रहा है। पांच प्रकार के कहे, अभी यदि मैं पांच की चर्चा करूँ ना तो आपको लगे यार ये कैसी कैसी बातें अनर्थ दंड में कही है। और बोलो खाम खा में पाप बांधते रहते, बोलो क्या क्या कही है, छंद बोलो दौलत राम जी की छेड़ाला का, इसमें लिखा है यहाँ नीचे छेड़ाला शब्द दिख रहा है मेरे को चौथे नंबर पे, ज़्यादा वर्णन तो नहीं किया है, चलो मैं ही बताता हूँ आपको क्या कहा है वहाँ छेड़ाला में। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। क्या नंबर वन? पांच प्रकार के कहे हैं। पहला नंबर, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होए अघवनज कृषिते। और असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कहूं न सुनीजे। और हूं अनरथ दंड है तो अघ तिन्हे न कीजे। वो छंद शुरू कहां से होता है? बातें तो आ गई सब लगभग, क्या लाइने आगे पीछे हुई है? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। यहां से चालू है। अब सुनो बात क्या है, सबसे पहला नाम क्या है?
प्रमाद चर्या, क्या प्रमाद से की गई चर्या या अनर्थ दंड। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक माने अग्नि न विराधे, बिना मतलब आग जल रही है, गैस जल रही है, तवा लगा रखा है या तवा भी नहीं रखा है उसके माथे पे और दूसरा काम कर रहा है, ये अग्नि जल रही है, अनर्थ दंड है क्या। आप बैठे नहीं हो यहां, आप रूम से निकल करके चले गए और पंखा चल रहा है, ये अनर्थ दंड है। अरे क्या फर्क पड़ गया, आप तो बहुत ही कंजूस हो। अरे सवाल कंजूस ही था, 100 रुपए का बिल ज्यादा आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सवाल बिल का नहीं है, सवाल अनर्थ दंड का है। सवाल इसके माध्यम से वायु कायिक जीवों की विराधना हो रही है, सवाल इसके माध्यम से अग्नि कायिक जीवों की विराधना हो रही है। लाइट जल रही है, आप यहाँ बैठे हो, 3 कमरों की आपकी लाइट जल रही है, अग्नि कायिक जीवों की हिंसा हो रही है उसमें, प्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण। नल चालू है, बाल्टी भर रही है, आप दूसरे काम में लग गए, बाल्टी भर करके पानी बहने लगा, ये जल की विराधना है, जल कायिक जीवों की विराधना है। कर प्रमाद, आप सावधानी रखें। कितनी तरह की बातें आती है, आप जितनी सोचो, आप चलते चलते पेड़ की पत्तियां तोड़ लेता है, चलते चलते फूल तोड़ने लगता है, चलते चलते कुछ नहीं, ऐसे ही मन आगे बस खींचता हुआ चल रहा है, तो क्या कर रहा है, बिना मतलब, बिना मतलब घास पे चल रहा है, निष्प्रयोजन। ऐसे ऐसे वचन कहें, घास के ऊपर पैर रखने वाला गर्भवती स्त्री के ऊपर पाँव रखने जैसा है, ऐसी चर्चाएं की शास्त्रों में। आप सोचो जरा उसके ऊपर पांव कैसे रखे, अशक्त अवस्था हो, नहीं हो कुछ, कोई दूसरा कोई रास्ता ना हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता हो, आपके सामने इधर घास है और इधर दूसरा रास्ता है, घूम करके आप ये लंबा रास्ता चुनते हैं कि ये शॉर्ट चुन रहे हैं, बोलो। 1 सेकंड 2 सेकंड का फर्क पड़ने वाला है इन बिना घास पर से चलने में और ये घास पर से चलने में, 2 सेकंड बचा लोगे आप। यहां से सामने जाना है इधर पप्पू अंकल तक, इतनी दूरी, 20 फीट की दूरी तय करनी है आपको, इसमें आप घास का उपयोग करते हो चलने का कि बिना घास का, ये निर्णय कर रहे हैं आप श्रावक हो कि नहीं। सावधानी वाली बात है, हम क्यों नहीं सावधानी रख सकते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, एक चीज। नंबर 2, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, हिंसा दान। पहला नंबर क्या कहा था, प्रमाद चर्या, अनर्थ दंड बता रहा हूं, अनर्थ दंड बिना मतलब का पाप। पहला क्या था, प्रमाद चर्या। नंबर 2, हिंसा दान। हिंसा दान क्या चीज है, ऐसी वस्तुएं दान में नहीं देना, ऐसी वस्तुएं दूसरे को नहीं दिया जाना, दूसरे का सहयोग करने के लिए भी ऐसी वस्तु नहीं देना जो हिंसा का उपकरण हो, जो हिंसा में काम आता हो। जैसा कहा ना श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में, चक्कू नहीं देते, ये कह रहे हैं यहाँ, आप किसी को चक्कू नहीं दे सकते किसी के द्वारा मांगने पर, आप किसी के द्वारा मांगने पर ब्लेड नहीं दे सकते, आप किसी के द्वारा मांगने पर माचिस नहीं दे सकते, आप किसी को अग्नि नहीं दे सकते, क्या ये पाप की चीजें हैं। आप कितनी बारीकियां हैं, अभी उसका विस्तार करने का समय नहीं है, मैं आपको व्रत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो श्रावक की चर्या पढ़ा रहा हूं, श्रावक का जीवन बता रहे हैं ना, श्रावक कैसा होता है। घर घर जाकर के दीपक रख करके आना, बोलो हिंसा दान है कि नहीं है। दिवाली के दिन शहरों में इस तरह की परंपरा है, खूब देखिए बचपन से 25-50 दीपक जलाएंगे घर में, 100 जलाएंगे, 80 जलाएंगे और फिर जला के क्या करेंगे, आस पड़ोस में सबके घर में जा जा करके रख करके आएंगे, वो हमारे यहाँ रखेगा, हम उनके यहाँ जा करके रखेंगे, क्यों आदान प्रदान। ये हिंसा की चीज है ना, वो आग लगाने की चीज है ना, वो हिंसा, हिंसा जिसके माध्यम से हो सकती हो वो चीज किसी को नहीं देना, हिंसा दान ना, और बिना मतलब है ये, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रखोगे तो उसका घर रोशन नहीं होगा, क्या आपने वहां जाकर के दीपावली के समय पर ऐसा करना तो उस अग्नि के माध्यम से तो न मालूम कितने बम फोड़े जा रहे हैं,
कितनी हिंसा हो रही है, और उसके माध्यम से जो आपने अग्नि दूसरे के घर में जाकर के रखी है, उसके यदि पर्दा जल जाए और घर में आग लग जाए तो निमित्त कौन बना उसका? आपसे कोई व्यक्ति चक्कू मांग करके ले गया और उसने जाकर के किसी की हत्या कर दी, नहीं नहीं हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं है साहब, ये तो बातें आप तो साफ साफ दिख रहा है, एप्पल हाथ में लेकर के बात कर रहा है तो एप्पल साफ करने के लिए बता देने के लिए मांग रहा है हमारे से कि नहीं भाई साहब ये हिंसा दान है। लाठी भी नहीं थे, शब्दों की मर्यादा बताइए, तो शब्दों की भी हाँ बोलो, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं करते, सावधानी रखते हैं, काटने की बात नहीं, मारने की बात नहीं, सुधारना सब्जी सुधार रहे हैं, काट रहे सुधार रहे हैं, साफ कर रहे हैं बंधार रहे हैं, बहुत तरह के शब्द हैं। ये दो शब्द हो गए, पहला क्या कहा साथी? प्रमादचर्या। किसकी किसके भेद बताए जा रहे हैं? अनर्थ दंड के। अनर्थ दंड किसका भेद है? गुण व्रत का। गुण व्रत के तीन थे ना, गुण व्रत किसका भेद है? श्रावक के बारह व्रतों में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, श्रावक के बारह व्रत, पांच अनुव्रत, तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत। गुण व्रत कितने? तीन। गुण व्रतों में नंबर एक दिग व्रत, नंबर दो देश व्रत, नंबर तीन अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, तो अब अनर्थ दंड की चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड पांच प्रकार से, यार क्या क्या करोगे आप? सरल है, सरल है, कठिन नहीं है क्या? जितनी बात समझ में आए उतना जीवन में उतारने का प्रयास करना। नंबर वन प्रमादचर्या। प्रमादचर्या के बारे में क्या कहा? प्रमादचर्या के बारे में क्या कहा? क्या शब्द वाक्य क्या था? कर प्रमाद जल भूमि, जबरदस्ती जमीन खोद रहा है, जबरदस्ती चुनाई करवा रहा है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, नंबर वन। नंबर दो हिंसा दान, अस्सी, अस्सी भी नहीं तलवार, तलवार दे दी, अस्सी धनु धनुष दे दिया, हल हिंसा उपकरण, अस्सी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। दो, ये दो काम तो नहीं करते हो ना आप, ये दो तो छूट जाए। अब नंबर तीन सुनो, गजब की बात। राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनी जे राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें क्या? आपसी झगड़े की चर्चा है, का दूसरा कहाँ गया? अलमारी में रख दिया, दो है ना पेज। क्या कहा? राग द्वेष, राग द्वेष करतार करने वाली, राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं, जिनसे राग बढ़ता हो, जिनसे द्वेष बढ़ता हो, जिनसे कशाएं बढ़ती हो, ऐसी चर्चाएं नहीं करना। क्या ऐसी चर्चाएं करो बिना मतलब की बातें, जबरदस्ती का आपसी मनमुटाव हुए, ऐसी ऐसी बातें करने से क्या मतलब है? और ऐसे राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं, जिन कथाओं से आपकी लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है, और पड़ोस की चर्चाएं कर रहे हो, तुम्हें पता उनके यहाँ क्या हो गया? तो तू अपनी संभाल ले, उसके ऐसा हो गया, उसके ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, दूसरे दूसरे की बातें कर रहे हैं। राग द्वेष करतार कथा, दो बातें कही है, कहूं न सुनीजे, बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। क्या चर्चाओं में बिना मतलब का पाप बांध रहे हो आप, तेरी मेरी करके बोलो, कैसे कैसे पाप करता रहता है, बैठे बैठे पाप कर रहा है, पाप कमा रहा है। खाम खाम की चर्चाएं, जिन चर्चाओं से कुछ लेना देना नहीं है, और ये कह रहा है अभिमन्यु के साथ ऐसा होना चाहिए और उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए और पाकिस्तान का ऐसा कर देना चाहिए है, और अच्छा सबक सिखाया और ये कर दिया और वो कर दिया, तू बिना ही मतलब की चर्चा कर रहा है। तीन बातें हो गई, तीसरे का नाम क्या कहा? दुश्रुति। इसका नाम है दुश्रुति नहीं हो। सबसे पहला प्रमादचर्या नहीं हो, दूसरा हिंसा दान नहीं हो, तीसरा दुश्रुति नहीं हो। फिर आगे काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अब बोलो, अभी तक तो कहने सुनने की बात थी, अब अनर्थ दंड कहां लागू हो रहा है? चिंतन में लागू हो रहा है।
काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। बोलो कौन जीत रही है पार्टी है? ये हार जीत चल रही है कि नहीं? इलेक्शन का माहौल, 3 दिन बाद इलेक्शन होने वाले राजस्थान में, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा, किसका क्या होगा, कौन सी टीम खेल रही है, वो जीत गए वो हार गए, इसको ऐसा खेलना चाहिए था क्या? कौन ये राहुल, ये सौरभ गांगुली और ये जो है, अरे तो क्या हो गया है इसको, इसको ऐसा मारना चाहिए था, इसको इधर की जगह इधर चला था ना, तो तू खेल ले भैया फिर बात आओ तो जाते। दूसरे की हार जीत के बारे में ये जुआ है, हार जीत के चिंतन को जुआ कहकर के पुकारा है बनारसी दास जी ने। ये जीत गया, ये हार गया, दूसरे की हार जीत के बारे में देखो, खुद की हार जीत के बारे में विचार तो करता ही है व्यक्ति, मैं हारूंगा कि मैं नहीं जीतूंगा क्या, मेरे को ये उपलब्धि होगी कि नहीं होगी, ये अचीवमेंट मेरे को होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा क्या, ये स्वयं के बारे में वो तो तमाम तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में विचार कर करके ये कैसे जीत गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, इसके नंबर कैसे आ गए, इसका फर्स्ट पोजीशन कैसे आ गया, ये दूसरे की और किसी की धन हानि के संबंध में, ये तो और बर्बाद हो इसका तो इसका तो और डूब जाए तो अच्छा है, ज्यादा घमंड था ना इसको अपने आप के धन के ऊपर, ये तो और होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, 4 हो गए यहां तक। नंबर 1 कौन सा था? ब्रह्मचर्या। नंबर 2 हिंसा दान। नंबर 3 दुश्रुति। और नंबर 4 अपध्यान, खोटा ध्यान। शास्त्र में शब्द क्या दिया है इसके लिए? अपध्यान, खोटा ध्यान, खोटा चिंतन। एक खोटे चिंतन से देखो, ये किसकी बात कर रहे हैं मास्टर साहब? बिना मतलब के पाप की बात कर रहे हैं। ये वो पाप है जो पाप आपने किया नहीं है, बिना किए जीवन चल सकता है, ये बिना किए जीवन चल सकता है, ये वो पाप है जो पाप मैंने किया नहीं है दीपेश जी, और मैं सजा का हकदार बन रहा हूं। मैंने क्या पाप कर लिया कि तूने दूसरे के बारे में बिना मतलब की बातें की? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। और आगे देयन सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। किसी भी व्यक्ति को हिंसा और चोरी और पाप का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, ये बेईमानी का उपदेश देता है। देयन सो उपदेश, पापोपदेश नाम है इसका, पाप का उपदेश देता है। अरे मैं सिखाता हूँ तेरे को कैसे कैसे धोखे चार किए जाते हैं, तरीके बताता है, टेक्निक सिखाता है। ये क्या है भाई साहब? ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड, बिना मतलब बिना किए हुए पाप किए बिना ही पाप बांध रहे हैं और दंड का भागीदार बन रहा है, सजा मिलेगी तेरे को। तो मुझे किस बात की सजा मिले? ये कहता है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। बड़े दादा की एक पुस्तक है, ऐसे क्या पाप किए, मैंने क्या पाप किए, मैंने तो कुछ नहीं किया। और एक पुस्तक है उनकी, इन भावों का फल क्या होगा, क्या तूने किया कुछ नहीं लेकिन इस बात का विचार कर इन भावों का फल क्या होगा। क्रिया से नहीं परिणाम से, परिणाम से यहाँ लिखा था, बाकी विचार हटा दिया सभी कर दिए सफाई में, 2-4 साल लगे रहे यहाँ। मैंने इन भावों का फल क्या होगा, फल तो परिणामों का लगता है। कम से कम 20 जगह लिखी है टोडरमल जी ने ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, जब हमने चलाया था तो बार बार हाईलाइट किया था, देखो यहाँ फिर आ गई ये बात, देखो फिर ये बात आ गई है, फिर ये कह रहे हैं तेरे परिणामों को संभाल, फिर ये कह रहे हैं देख देख तेरे परिणामों का फल लग रहा है। फल तो परिणामों का लगता है, तेरे भावों का फल लगता है। सारा जगत क्रिया क्रिया की तरफ उलझा हुआ है, ये कह रहे हैं क्रिया का नहीं परिणामों का फल लगता है। तो ये क्या हो गए भाई साहब? 5 अनर्थ दंड, अनर्थ दंड 5 प्रकार के। 3 गुण व्रत समझ में आ गए, 3 गुण व्रत समझ में आ गए ना। अब 4 शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत है 4, सामायिक, प्रौषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। तो छेड़ाना ग्रंथ तो सारे जनागम का सार है, ये सब छेड़ाना की बातें हैं। 2011 में चलाया था शायद,
ये छह डालों सबका सार है, ये चौथी डाल की लाइन है ये सब। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माही पाप तजि प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। कितनी सुंदर लाइनें हैं, मन रिझता है ऐसी लाइनों के ऊपर, कभी कभी यहां तक भी पहुंच जाते हैं वहां नशिया में, लेकिन लाइनों का अर्थ नहीं आता हो ना तो फिर बस ठीक है, कुछ ना कुछ म्यूजिक चल रहा है, लेकिन क्या क्या रहे हैं इसमें, सामायिक प्रौषधोपवास भोगो भोग परिमाण अतिथि संविभाग चार ये हो गए। तो देखो क्या क्या बातें कही है, ये सब श्रावक की बातें हैं, वो श्रावक कैसा होता है तो इन्होंने कह दिया इन प्रवृत्तियों सहित होता है, इन बारह बातों सहित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाप मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। देखो यद्यपि ये बातें कही अनर्थ दंड में, ये बात कही आपसे कि जल भूमि वृक्ष पावक न विराजे, बिना मतलब अग्नि गाय की हिंसा मत करो, जल गाय की हिंसा मत करो, वायु गाय जीवों की हिंसा मत करो, ये बातें सिखाई यहाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रावक अग्नि नहीं जलाएगा, जलाएगा भोजन बनाएगा पकाएगा, अग्नि तो जलेगी, इसका अर्थ ये नहीं कि श्रावक के माध्यम से जल नहीं डुलेगा, जल भी डुलेगा, नहाएगा भी, अपने माथे पे पानी भी डालेगा, कपड़े भी धुलेंगे, ये होगा श्रावक के माध्यम से, लेकिन बिना मतलब तो नहीं करे क्या, ये छोड़ पूरी तरह से त्याग तो नहीं हो पाएगा, मुनि जीवन में नहीं है। अब देखो आप, मुनिराज कपड़े नहीं धोते, कपड़े नहीं है, मुनिराज नहाते भी नहीं है, पानी ढोलते ही नहीं, माने पानी ढोलने की प्रवृत्ति इसका त्याग गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता, और मुनि जीवन में जल ढोलते नहीं है, मुनि जीवन में घास के तिनके को छूते नहीं है, मुनि जीवन में पंखा चलाते नहीं है, न वायु कायिक जीवों की विराधना करते हैं, मुनि जीवन में अग्नि कायिक जीवों की विराधना भी नहीं है, बोलो पृथ्वी कायिक जीवों की विराधना भी नहीं है, जमीन खोदते नहीं है, खुदवाते नहीं है, खोदने की प्रेरणा देते नहीं है, तो पृथ्वी कायिक की विराधना से बचे, जल कायिक की विराधना से बचे हुए, अग्नि कायिक की विराधना नहीं है, वायु कायिक वनस्पति कायिक मुनि जीवन में तो संभव है, महाव्रती है, अब गृहस्थों में बताओ कैसे संभव, अग्नि नहीं जलाए तो कैसे चलेगा, गर्मी में हवा नहीं करे तो कैसे चलेगा, बिना 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 जल के जीवन कैसे होगा, बिना वनस्पति के कैसे क्या खाएगा पिएगा, फिर इनके बिना जीवन नहीं हो सकता, इनमें मर्यादा हो सकती है, इनको कम किया जा सकता है, इनको कम करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, ऐसे श्रावक होते हैं। देखो भाई समय बढ़ रहा है, निरंतर विशेषार्थ की तरफ बढ़ते हैं अपन, सरलार्थ हो गया, ये सरलार्थ याद रहेगा, श्रावक की बातें याद रखेंगे ना अजय जी, श्रावक की बातें तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत, पांच अणु व्रत, तीन चार पांच, ठीक है चलो जैन साहब को याद हो गई। देखो विशेषार्थ, आगम ग्रंथों में श्रावक की विभिन्न परिभाषाएं मिलती है, आगमों में श्रावक की चर्चा कर रहे हैं अपन, बहुत सारी परिभाषाएं मिलती है श्रावकों के संबंध में, जैसे प्रथमानुयोग में मात्र जैन कुलोत्पन्न मनुष्य को ही श्रावक कहते हैं, प्रथमानुयोग कौन है भाई श्रावक, अरे भाई देखो श्रावक जैन कुल में पैदा हुए तो श्रावक है, अभी जैनी भी ऐसा करने लगेंगे, श्रावक लोग भी ऐसा, श्रावक संज्ञा जैनियों के लिए है, श्रावक माने जैन, प्रथमानुयोग की शैली है, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है वो कैसा श्रावक है, नाम से श्रावक, तीन भेद किए थे ना हमने पहले अरुण जी साहब, कौन से तीन, एक नाम से श्रावक, दूसरे काम से श्रावक, और तीसरे भाव से श्रावक, इतनी बात तो करते हैं भाई, अब अच्छी बात है आप लोग भूल जाते हो तो हमें दोबारा बताने का मौका मिलता है
श्रद्धा विवेक क्रिया, समझ नहीं, श्रद्धा विवेक क्रिया। देखो आगे बता रहे हैं ये क्या क्या बता रहे हैं, पहले इनको देख ले अपन। तो आगम ग्रंथों में श्रावक की विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं, जैसे प्रथमानुयोग में मात्र जैन कुलोत्पन्न मनुष्य को ही श्रावक कहते हैं, जिसने जैन कुल में जन्म लिया हो। फिर कर्णानुयोग में क्या कहते हैं ये बताओ। तो कब कर्णानुयोग में सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन सहित चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व्रत रहित जीव को श्रावक कहते हैं। सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है, व्रत नहीं है अभी उसके जीवन में, श्रावक है, इसको श्रावक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे सम्यक दर्शन एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतराग परिणति वाले व्रती को भी श्रावक कहा जाता है। क्या ये जो व्रती वाला जो श्रावक है, और देखो इसके आगे अष्ट मूल गुणों के धारक जीव को श्रावक नाम से जाना जाता है। अष्ट मूल गुण, अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया एक प्रवचन इस विषय के ऊपर, अष्ट मूल गुणों के ऊपर। अष्ट मूल गुण में क्या क्या होते हैं बोलो, श्रावक के लिए जरूरी। मूल गुण का मतलब मुख्य, मुख्य माने जिस तरह से मुनि भूमिका में 28 मूल गुण नहीं हो तो वे मुनि नहीं है, उसी तरह से श्रावकों में यदि अष्ट मूल गुण ना हो तो वो श्रावक नहीं है, श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। तीन तीन तरह से अष्ट मूल गुणों की चर्चा आई है शास्त्रों में। तीनों ही सही है, क्या बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो, ये तीन में से सही क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वजन 60 किलो है और आपकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, बताओ दोनों में से सही क्या है? दोनों में से सही क्या है? दोनों अपेक्षा अलग अलग है, दोनों बातें ठीक है, अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग तरह की शैली है। एक किस शैली में बात कर रहा है, दूसरा किस शैली में बात कर रहा है। ये चरणानुयोग की चर्चा है, परिस्थितियां देख करके देश काल परिस्थितियों के आधार पर निर्देश दिए गए व्रतों के संदर्भ में, मूल गुणों के संदर्भ में। श्रावक के जीवन में मिनिमम इतना तो होना चाहिए कि पंच उदंबर फलों का और मध्य मांस मधु का त्याग हो, ये मिनिमम है, मिनिमम। क्या तीन प्रकार से चर्चाएं की है शास्त्रों में अष्ट मूल गुणों की, दूसरी तरह से बताता हूँ, तीनों तरह से बताता हूँ। चलो शेष चर्चा तो कल करेंगे अपन, है ना, यही सुन लो अभी। अष्ट मूल गुण धारक को श्रावक नाम से जाना जाता है, आत्मानुभूति सहित मनुष्य या त्रियंश को भी श्रावक, त्रियंश को भी श्रावक कहते हैं। चौथे गुणस्थान वाला आत्मा है ना, यदि त्रियंश हो आत्मा हो तो वो भी श्रावक है। चलो ये चर्चा तो यहाँ तक हो गई, अब नीचे से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वगैरह की चर्चाएं हैं, तो कल करेंगे इसको। लेकिन देखो मैं क्या करूँ, यहाँ रहने दो अभी, यहाँ ये पेज बदल लिया मैंने गलती से, इसमें लिखा है अष्ट मूल गुणों का कथन, 23 नंबर का श्लोक आगे वाला ही वहीं कर लेंगे चर्चा, फिर भी सुन लो, 8 सुन लो, फिर चर्चा वहाँ कर लेंगे। मध्य का त्याग, मध्य माने शराब, श्रावक शराब नहीं पी सकता। मांस का त्याग, मांस नहीं खा सकता शराब, मांस नहीं खा सकता श्रावक। नंबर 3 शहद, शराब नहीं, मांस नहीं और शहद नहीं, इन तीन चीजों का त्याग होगा। ठीक है, मैंने वहां तो चर्चा की उन लोगों के बीच में मांस की बहुत विस्तार से, 1 घंटे चर्चा हुई मांस त्याग के बारे में। हंड्रेड परसेंट तो खैर कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 99% लोग शराब पीते हैं, बोलो 99% क्या, और कितने परसेंट लोग मांस खाने वाले होंगे, अब उनके बीच में चर्चा, एक घंटे चर्चा की मैंने। क्या इसीलिए तो मूल गुणों की चर्चा की कि क्या होना चाहिए। अब मेरे व्याख्यान के बाद में बहुत से लोगों ने नियम लिए, त्याग किए जीवन भर के लिए, जीवन भर नहीं खाएंगे हम, जीवन भर इस चीज का त्याग होगा, और वो मांस की चर्चा को तो बारीकी से लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वाध्याय भी थे ना नहीं खाने वाले, ऐसे अभ्यासी लोग भी थे वहां जो रात को भी नहीं खाते, ऐसे लोग भी हैं वहां पर विदेशों में, ऐसे लोग भी हैं जो रात को नहीं खाते,
ऐसे लोग भी हैं जो जमीकंद नहीं खाते, इस तरह का सदाचार पालन करने वाले लोग भी हैं वहां, तो रुकते ही ऐसे घरों में हैं। लेकिन देखो फिर भी उनकी दृष्टि से भी मैंने मांस त्याग की चर्चा की कि कहां कहां गलती होने की संभावनाएं हैं। आप लोगों के बीच में कर चुका हूं पहले, यद्यपि बहुत बार बातें इस तरह की, कहां कहां मांस भक्षण की संभावनाएं होती है। तो कल फिर करेंगे अपन आगे, कल तो नहीं परसों करेंगे, पर कल इसकी मुख्य कल कल चर्चा ये होगी ना सम्यक दर्शन ज्ञान वाली, इसलिए कह रहा हूँ। आप सोचो छुट्टी कर रहे हैं, कल छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, समय हो गया है, कल ही करेंगे चर्चा। नाम बता दिए मैंने दो प्रकार से, और सुन लो दूसरे प्रकार से अष्टमूल गुणों के नाम बतलाए हैं, पांच अणुव्रत और मध्यमांस मधु का त्याग। क्या हाँ, ये अष्टमूल गुणों के अंदर शामिल किया, बोले श्रावक के लिए पांच अणुव्रत और मध्यमांस मधु का त्याग होना चाहिए। ये आठ है, ये पांच और तीन आठ, आठ हो गए ये मूल गुण। तीसरे प्रकार से चर्चा की मूल गुणों की, जब कई तरह से और शिथिलाचार देखा तो आचार्यों ने ये कहा कि सुनो, पंच उदंबर फल का त्याग एक नंबर, पंच पांच को एक में शामिल कर लिया। नंबर दो मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, चार हो गए। फिर इसके अलावा कहा नित्य देव दर्शन, मूल गुण है पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन त्याग और जीव दया, इन आठ को मूल गुण कहा गया। जीव दया होनी चाहिए, दया का परिणाम होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, दिन में भोजन हो, छान के पानी हो और रोजाना देव दर्शन, और मध्य मास मधु का त्याग हो और पंच उदंबर फलों का त्याग हो, तब जाकर के अष्टमूल गुण होते हैं। इन अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला ये श्रावक होता है। इस श्रावक की चर्चा अभी कुछ दिन और चलेगी, और अभी तो ये गुणव्रत और शिक्षाव्रत की चर्चा भी आगे करने वाले हैं लोग। क्या गुणव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत, ये सब श्रावकों की चर्चा उस किसान को लंबी समझा रहे, मुझे लग रहा है ये अभी तो अमेरिका जाने के पहले पहले तक यही चर्चाएँ चलेगी। क्या अपने लिए मुख्य है, सारी बातें अपने लिए है, तो हम सभी इन बातों का पालन करके अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इस भावना से बात को विराम देता हूं।